हेलो, मैं डॉक्टर निशी प्राइम IVF से। आज मैं आपको बताऊंगी डोनर एग के बारे में। डोनर एग कब करते हैं, क्यों करते हैं, किन लेडीज को डोनर एग की ज़रूरत होती है और डोनर एग कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है जो हम कब उसको एडवाइज करेंगे कि उसको डोनर एग पे जाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर एज उसकी ज़्यादा है और उसका AMH लेवल कम है, ओवेरियन रिजर्व कम है, AMH लेवल लेस देन 0.5 से भी कम है और वो 2 या 3 बार IVF करा चुके हैं, बार बार उनका IVF फेल हो रहा है या सक्सेस तो हो रहा है, सैक भी आ रहा है पर कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही, कई बार कार्डियक एक्टिविटी भी आ जाती है पर उसके बाद अबॉर्शन हो रहा है, तो उन लेडीज को हम एडवाइज करते हैं कि वो डोनर एग पे जाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी पेशेंट्स होती हैं या कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनके कि महीने आने बंद हो जाते हैं, उनका लेवल AMH लेवल 0 हो जाता है या एग ही नहीं बन रहे होते, तो उनको भी हम बोलते हैं कि वो डोनर एग पर जाएं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि अब आप सोचेंगे कि ये डोनर एग कहाँ से लिए जाते हैं और इनकी क्या क्या जाँचें होती हैं, इनके हम सबसे पहले जब एजेंसी में हम उस लेडी का प्रोफाइल भेजते हैं कि हमें ऐसी डोनर चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप उस लेडी से मिलता जुलता हो, फीचर्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, इसके अलावा जो डोनर एग्स जिन लेडीज के लिए जाते हैं उनकी एज कम होती है, 22 से 28 साल तक होती है, उनकी फर्टिलिटी प्रूव होती है, उनके पहले 1 या 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती। जब हम डोनर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम उन डोनर के सारे टेस्ट कराते हैं, CBC, LFT, KFT, इसके अलावा उनके वायरल मार्कर कराए जाते हैं, HIV, VDRL, HBsAg, SCV, इसके अलावा भी हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसी कई टेस्ट हैं जो हम डोनर का कराते हैं। अब आप सोचोगे कि डोनर एग कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले हम पीरियड के डे 2 पे डोनर को बुलाते हैं, उनकी सारी जाँच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसके बाद उनको 10 डेज तक इंजेक्शंस, वही हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, उनके एग निकाले जाते हैं और उनमें हस्बैंड का स्पर्म डाल के एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। तो नेचुरल है कि उनकी एग कम है, AMH अच्छा है, तो हमें नंबर ऑफ एम्ब्रियो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो हम उनको 2 या 3 साइकिल भी ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो चांस ऑफ इम्प्लांटेशन, चांस ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट का डोनर एग के साथ बढ़ जाता है, 60-70% रिजल्ट है डोनर एग के साथ प्रेगनेंसी रेट का। तो अब आप सोचो कि डोनर एग से हमें क्या फ़ायदे हुए, एक तो हमारा कंसीव जल्दी हो गया, दूसरी बात यह है कि चांस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ गया है, बाई चांस फर्स्ट साइकिल में अबॉर्शन हो जाता है या फर्स्ट साइकिल में हमारा फेल हो जाता है तो हमारे पास अदर एम्ब्रियो हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो हैं, जो कि हम दोबारा सेकंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में डाल सकते हैं। एक और बड़ी बात, ये अब एम्ब्रियो बन गए तो इसके बाद हम लेडी में या तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डोनर स्टिमुलेट की, उसके साथ साथ जो लेडी पेशेंट है उसकी भी लाइनिंग बनाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही एम्ब्रियो बने हम उस लेडीज में डाल सकते हैं या फिर उन सबको फ्रीज करके रख सकते हैं और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डोनर एग की केवल उन्हीं पेशेंट को ज़रूरत होती है जिनका कि बार बार फेलियर हो रहा है, AMH कम है या फिर एग ही नहीं बन पा रहे, तो वो डोनर साइकिल पे जाके संतानहीनता से मुक्ति पा सकती है। इसके अलावा भी आप डोनर के बारे में या डोनर एग साइकिल के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपने क्वेश्चंस भेजें, मैं आपके उत्तर देने की शीघ्र ही कोशिश करूँगी। धन्यवाद।